नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से ज़रूरतमंदों के दरमियान अनाज की तकसीम की गई। इस मौके पर ट्रस्ट के नेशनल चेयरमैन जनाब शेख गुलाब रब्बानी साहब मौजूद थे। उनका कहना है कि कोरोना वबा के तीसरे मरहले के पेश नज़र आरजी कार अस्पताल के करीब अस्पताल के मरीजों के रिश्तेदारों और दीगर लोगों के दरमियान खाने पीने के सामान बांटे गए। शेख गुलाम रब्बानी की क्यादत में बेलगचिया से कारवां आरजी कार अस्पताल पहुंचा और वहां ज़रूरतमंदों को खाने पीने की अशिया दी गई। इस मौका पर शेख गुलाम रब्बानी ने ये ऐलान किया कि इस तरह से खाने पीने के सामान शहर निशात के दीगर इलाकों में भी बांटे जाएंगे। इस मौका पर शेख गुलाम रब्बानी साहब के साथ मौलाना अब्दुलरहमान साहब जामी, प्रतीक मजुमदार साहब और दीगर लोग मौजूद थे। आइए सुनते हैं वहाँ मौजूद शुरका ने इस मौके पर क्या कहा। देखिए ये सिर्फ जो है हम लोग गरीबों की मदद के लिए, मजबूरों की मदद के लिए, जिनको मतलब कि आसानी पैदा करने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं लोग और दूर दूर से लोग आते हैं और आने के बाद जो है इतने गरीब होते हैं कि अपना खाना पीना उनके लिए मुश्किल। तो एक पेशेंट को देखना, उसमें खाने पीने का इंतजाम करना, इन तमाम चीज़ों की सहूलत के लिए इस तंजीम ने ये इंतजाम किया है और उम्मीद है कि हम लोग इस काम को आगे भी जारी रखेंगे। एक मरतबा से बस नहीं है मौलाना साहब, हमेशा गुलाब रब्बानी साहब को देखा गया है कि सड़क पर उतर कर काम किए, जरूरतमंदों के साथ खड़े रहे, मगर फिर जो है या कुछ लोग जो है नज़रअंदाज कर रही है, ऐसे लोगों को क्या मैसेज? देखिए हमारे समाज ने सीधी सीधी बात, जब गांधी जैसी शख्सियत को नहीं छोड़ा तो और सवाल पैदा नहीं होता है, हमारे नबी जैसी शख्सियत को नहीं छोड़ा तो सवाल पैदा नहीं होता है। तो इस तरह जो काम करेगा वो तनकीद का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे जितना ही अच्छा काम करे तनकीद करेगा। तो तनकीद से हमको घबराना नहीं है, हमको अपना काम करते जाना है। माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट आज रोटी मिशन जो है कोलकाता के अलग अलग जगहों में तकसीम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए ये इनकी हिम्मत है और इनका इरादा है और ईश्वर जो है, अल्लाह जो है, इनके इरादे को, इनके नेक इरादे को कामयाब बनाए कि ये हर जगह बल्कि और ज़्यादा बंगाल से बाहर निकलने की तौफीक इनायत फरमाए। कलकत्ते में इन्होंने तहिया किया है कि हम तकरीबन कई जगहों पर मतलब 30-35 जगहों पर वो बांटेंगे। बहरा ठीक है और जैसी तौफीक होगी अल्लाह की, ईश्वर की, वैसा करेंगे वो। सर आपने तो प्रश्न आज ठीक भावे पूरे कोलकाता में पूरा भारत को कितने को सारा होच्छे তার মাঝখানে গুলাম রব্বানী সাহেব যেভাবে একটা রুটিন একটা মিশন বল একটা মেসেজ দিয়েছে, তার ক্ষেত্রে আপনি কী বলতে চান? গুলাম রব্বানী ভাই, এই যেভাবে আমাদের পুরো ভারতবর্ষে চলছে করোনা, এই কোভিড সিচুয়েশনে মানুষের খাবারটা খুব জরুরি। তো আজকে ন্যাশনাল মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এবং আমার ভাই গুলাম রব্বানীর উদ্যোগে 2000 মানুষের খাবার মতো রুটি সবজি এগুলো আনা হয়েছে এবং আজকে কোভিড প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে এর দাম অনেক বেশি। ন্যাশনাল মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট কা আজ কা জো প্রোগ্রাম লিয়া হ্যায় 2000 আদমি কো খানা রুটি সবজি আর আচার কা জো ডিস্ট্রিবিউশন কা প্রোগ্রাম হ্যায়। আজ প্যান্ডামিক মে জো পুরা দুনিয়া মে কোভিড প্যান্ডামিক হ্যায়, হিন্দুস্তান মে হ্যায়, বঙ্গাল মে হ্যায়, তো এ সময় এ ওয়ালা জো কাম লিয়া হ্যায় मेरा भाई छोटा भाई गुलाम रब्बानी और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट, मैं सबको और ऑर्गेनाइजेशन जितना मेंबर है भाई गुलाम रब्बानी को सबको मेरा तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और आगे वाला दिन में हम लोग देखूँगा पूरा सिर्फ कलकत्ता नहीं पूरा हिंदुस्तान में गुलाम रब्बानी भाई का नेशनल वेलफेयर जो ट्रस्ट है माइनॉरिटी के लिए नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट का काम पूरा हिंदुस्तान में होगा, ये मेरा आशा है। पश्चिम गवर्नमेंट काम कर रहा है, हम लोग का जो
लोग बिलो प्रोफाइल में है, गरीब आदमी के लिए उसमें गवर्नमेंट में का काम चालू है, उसका साथ एनजीओ का जो काम है, इसलिए एनजीओ लोग को मेरा तरफ से बहुत बहुत बधाई, स्पेशल बधाई, और मेरा छोटा भाई गुलाम रब्बानी एंड उसका नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट को। गुलाम रब्बानी साहब, नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट जिस तरह से नाम है, जिस तरह से रोटी मिशन आपने जारी किया है, तो क्या सिर्फ माइनॉरिटी को आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? तमाम लोग आएंगे? नहीं नहीं, देखिए सभी को मेरा सलाम अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट हमेशा, हमारी कोशिश यही रही है, हमारे मेंबर्स की यही कोशिश रही है कि हम हमेशा समाज के सामने में रहें, दुख के वक्त में, खास तौर पर दुख के वक्त में रहें, खुशी के वक्त में रहें। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं गुज़िश्ता 2-3 साल से जो ये कोरोना का जो पैंडेमिक चल रहा है, तो इसमें जो है हम लोग हमेशा मास्क में सैनिटाइज़र देना, खाना बांटना, फूड पैकेट, रॉ फूड मटेरियल हम लोग हमेशा किए हैं, और ये जो है हमारा जॉइंट कोलैबोरेशन हमारे सभी मेंबर्स की तरफ से ये होता है। और ये जो आज हम लोग रोटी मिशन जो आज हम लोग यहाँ कर रहे हैं, जैसे आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है, आप लोग आए हैं यहाँ पे, आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम लोग यहाँ से बेलगछिए से हमारे मौलाना अब्दुल रहमान जामी साहब और प्रतिकदा हमारे बड़े भाई हैं, यहाँ से इसको आज फ्लैग ऑफ करेंगे आरजी कर में जाके। आरजी कर हम लोग चॉइस इसलिए किया है क्योंकि आरजी कर एक ऐसा फेमस स्टेट गवर्नमेंट का एक हॉस्पिटल है जहाँ से पूरे बंगाल से लोग यहाँ आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर देखा जाता है कि पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे रेस्टोरेंट, बहुत सारे ढाबा जो है बंद हो जाता है, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होता, इसकी वजह से बंद रहता है, टाइमिंग रहता है उसके लिए। तो हम लोग जो है यहाँ पे आज 2000 रोटी, अचार और सब्ज़ी यहाँ का इंतज़ाम किया है, रोटी ऑन व्हील्स, जैसे आप गाड़ी देख रहे हैं यहाँ से। आज इन दोनों लोग, दोनों मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे बड़े भाई के हाथ से यहाँ फ्लैग ऑफ होगा, और हम लोग ये मिशन है कि हम लोग इंशाल्लाह ताला रहमान, चाहे कल को पैंडेमिक रहे या न रहे, हम लोग कम से कम 1,000,000 रोटी बनाने का हम लोग यहाँ से और तकसीम करने का इरादा किया है। और ये नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट सिर्फ गुलाम रब्बानी का नहीं है, ये हमारे सभी मेंबर्स जो हमारे जो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, तकरीबन 8 स्टेट में काम कर रहे हैं और बंगाल के 8 से 9 जिले में काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ में शाहरुख है, काशीपुर विधानसभा के इंचार्ज हैं, नसीम है यहाँ पे बेलगछिया विधानसभा का स्पोर्ट्स इंचार्ज है, वसीम है यहाँ पे जो हमारा पॉलिटिकल विंग का इंचार्ज है, सभी का जॉइंट कोलैबोरेशन से हो रहा है। और इसको हम लोग चाहते हैं यही कि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं उन सभी को गुलाम रब्बानी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि मेरे तरह नेशनल, मेरे तरह एक एनजीओ और भी लोग कर रहे हैं, सभी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इंसान और लोगों के सामने जाके खड़ा हो, उनके खास तौर पर दुख के दिनों पर। यही मैसेज हमारा हमेशा रहा है और रहेगा इंशाल्लाह। गुलाम रब्बानी का ज़रूरत जिस फील्ड में भी पड़ेगा, इंशाल्लाह ताला रहमान जितने भी हमारी मेंबर्स हैं उसकी पूरी सपोर्ट जो है हमेशा समाज के सामने रहे। यहाँ पर जो आप 499 का बोर्ड लगा रखे हैं, हम लोग बजरी घसी मिला के बेचते हैं जी, बजरी घसी पाठा हम लोग सब मिला के बेचते हैं 499 रुपये। और शादी का अगर ऑर्डर है 500 रुपये किलो, 500 रुपये 499 रुपये, ऐसे भी बेचते हैं? हाँ। और शादी में भी? हाँ सब यही। तो मिक्स बेचते हैं? हाँ सब मिक्स। ऐसे बाजार में क्या रेट है? 700 और 650 मिक्स करके। हाँ मिक्स करके 650, 600 हम लोग का 500।